क्या आपको भी बागवानी का शौक है? अगर हाँ, तो आप भी अपने घर का खर्चा बचा सकते हैं। बारिश के मौसम में कुछ मसाले हैं, कुछ दवाइयाँ, कुछ हर्ब्स जो आप अपने किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से मसाले हैं जो बारिश के मौसम में हम अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट जो हमारा मसाला है वो है मिर्ची। मिर्ची हरी हो या लाल, इसके बिना हमारा किचन अधूरा होता है। आप इस तरह से हरी मिर्च को गमले में भी उगा सकते हैं। मिर्ची का पौधा आप पहले पौध बनाकर उसको 4 इंच का होने दें, तब आप उसको दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करें। और देखिए हमारे ये मिर्ची के पौधे पर कितनी सारी हरी हरी मिर्चियां लगी हुई हैं। और जो तोता होता है उसको मिर्ची खाना बहुत पसंद होता है। तो आप भी अपने किचन गार्डन में मानसून के सीजन में मिर्ची का पौधा जरूर उगाएं और उससे इस तरह की मिर्च हार्वेस्ट करते रहें। सेकंड नंबर पर है अदरक। सर्दियों में अदरक के बिना चाय में मजा नहीं आता है। अदरक हमारे शरीर के लिए काफी उपयोगी होती है। अदरक उगाने का फुल वीडियो ऊपर लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। मानसून में अदरक को आसानी से उगाया जा सकता है। आपको इस तरह से अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको मिट्टी में 1 इंच गहराई में दबा देना है। आपको 1-2 महीने के अंदर इस तरह से अदरक उगकर निकल जाएगी, इस तरह से आपको दिखाई देने लगती है। और आप इसको सर्दियों में अपने किचन गार्डन से निकालकर चाय में डालकर गरम गरम चाय का आनंद ले सकते हैं। थर्ड है धनिया। धनिया के बीज और पत्ते दोनों ही हमारे किचन में यूज होते हैं। इसको आप गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। धनिया के बीजों को 2 पार्ट में तोड़कर लगाया जाता है। 2 पार्ट में तोड़ने के बाद आप इसके बीजों को सीधा ही मिट्टी पर स्प्रिंकल कर सकते हैं और ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल देनी है। यह बहुत आसानी से उगने वाला मसाला है और इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। धनिया के फ्रेश फ्रेश पत्ते तोड़कर आप अपनी सब्जी के ऊपर डालकर उसका आनंद ले सकते हैं। फोर्थ है पुदीना। यह एक हर्ब है और ये आसानी से उगने वाला है। इसकी आप तीखी और मीठी दोनों तरह की चटनी बनाकर खा सकते हैं और यह औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। और यह बहुत ही बड़े बड़े पत्तों वाला होता है, कई बार ये कुछ छोटे पत्तों वाला भी होता है। आप इसे गमले में भी उगा सकते हैं और इसकी आप टहनी तोड़कर भी लगा सकते हैं, इसकी टहनी भी आसानी से ग्रो हो जाती है। फिफ्थ नंबर पर है जीरा। जीरा हमारे किचन में डेली प्रयोग होने वाला मसाला है और यह बहुत ही आसानी से उग भी जाता है। इसको आप अपनी मसालदानी से लेकर ऐसे ही मिट्टी के ऊपर छिड़क दें और हल्का हल्का सा इसमें आप पानी डालते रहें, ये तो यह आपको 2 महीने के अंदर उगा हुआ दिखाई देने लगता है। और जीरे के बगैर कोई भी सब्जी छोंकने में मजा नहीं आता है। 6 नंबर पर है सौंफ। सौंफ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यह भी गमले में आसानी से उग जाती है। बस आपको सौंफ के कुछ दाने लेकर उसको मिट्टी के ऊपर डाल देना है और बारिश के मौसम में तो यह बहुत अच्छी उगती है। और सौंफ यदि चाय में डालकर आपको चाय पीने को मिल जाए तो उसका तो स्वाद ही अलग होता है। 7th नंबर पर है इलायची। इलायची का पौधा भी आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं। इलायची को लगाने से पहले आपको इसके बीजों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना पड़ेगा, नहीं तो बीज उगने में ज्यादा टाइम ले सकते हैं। पानी में भिगोने के बाद बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया जल्दी से हो जाती है। इलायची लगाने के बाद आपको 2 साल के बाद उससे इलायची प्राप्त होंगी। 8th नंबर पर है हमारी काली मिर्च। काली मिर्च को भी आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं। पहले आप इसके बीजों को 1 से 2 घंटा के लिए पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद मिर्च थोड़ी सी फूल जाती है और यह जल्दी से उग जाती है। काली मिर्च उगने में 1 से 1.5 महीने का टाइम ले सकती है, तो घबराए नहीं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको उगने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और काली मिर्च का पाउडर आप फ्रूट के ऊपर डालकर नमक के साथ उसका इंजॉय कर सकते हैं। 9th नंबर पर है लौंग। लौंग का पौधा भी आप अपने किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। इसको उगाने के लिए आपको कच्ची लौंग लेनी होगी और लौंग का पौधा जब भी उग जाएगा आपके किचन गार्डन में तो उसके 2 साल बाद आपको उससे लौंग तोड़ने को मिलेंगी। और 10th नंबर पर है हल्दी। हल्दी के बगैर तो हमारे किचन में कोई सब्जी बन ही नहीं सकती है।
तो इसको भी आप अदरक की तरह से उगा सकते हैं। यह मानसून के मौसम में भी उगाई जाती है और सर्दियों में आप इसको निकाल कर अपने किचन में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मसाले जिनको आप मानसून के सीजन में अपने किचन गार्डन में या गमले में, ग्रो बैग में आसानी से उगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।